हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ 11th बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला हमारा टॉपिक है, यहाँ से आपके नीट में भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस और हर साल एक या दो या तीन क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो नीट एग्जाम में अपना ठप्पा लगा के बैठा है। मतलब कहीं से आए या ना आए, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चंस आएगा। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यदि आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो भी नॉलेज होना चाहिए, नहीं पढ़ना तो भी नॉलेज होना चाहिए। मतलब कि ये एक ऐसा हमारे बॉडी के लिए एक ऐसी मेन चीज है कि जिसके बिना कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो हमारी बॉडी को कोई भी काम करने के लिए, कोई भी वर्क करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी। और हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलेगी वो फूड मटेरियल से मिलेगी। और डायरेक्ट फूड ऐसा तो है नहीं कि आपने रोटी और चावल लिया हाथ में, पता चले एनर्जी। उसका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, कोई ना कोई ब्रेकडाउन होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो जो वो कुछ होगा, ये पूरा सिस्टम कि आपने जैसे दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी यदि आपने खाया, और उसको खाने के बाद उससे ऐसा क्या हुआ हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी ने उससे एनर्जी ले लिया। ठीक, जैसे सिंपल सी यदि हम बात करें कि आपने दाल चावल रोटी बना हाथ में रख लिया, क्या आपको एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पे वो सारी चीजें, वो मैकेनिज्म नहीं हुई जो हमारी बॉडी के अंदर होंगी। तो हमारी बॉडी में एक सिस्टम है फॉर फूड, ठीक है, जो हमको एनर्जी रिलीज करता है। हमारी बॉडी में एक सिस्टम है। तो ठीक है, तो यदि हम बात करें इस टॉपिक में, तो जैसे हमारा इस टॉपिक का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम आज हम आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या, तो यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मली बात करें, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए ये फूड है, फूड मटेरियल। इस फूड मटेरियल से हमको एनर्जी चाहिए। अब यदि हमको फूड मटेरियल से एनर्जी चाहिए जिसको हमारी बॉडी यूज करेगी, फूड मटेरियल से आपको एनर्जी चाहिए जिसको हमारी बॉडी यूज करेगी, तो फूड मटेरियल का ऐसा क्या होगा जिससे हमको हमारी एनर्जी मिलेगी? क्लियर? कि जिस एनर्जी को हम अपने काम में, अपनी बॉडी को ग्रोथ में अपन यूज कर सकें। क्लियर? तो इस फूड का क्या होगा यहाँ पे? डाइजेशन। क्या होगा? डाइजेशन। इस फूड का यहां पे क्या होगा? डाइजेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। क्लियर? मतलब कि इस फूड मटेरियल का यहाँ पे डाइजेशन होगा जिससे हमको मिलेगी क्या? एनर्जी। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं डाइजेशन क्या होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम यदि बात करें डाइजेशन, हाँ चल, तो मैंने क्या बताया कि जैसे ये फूड मटेरियल है, फूड पार्टिकल है, इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन करके एनर्जी लेना। क्लियर? फूड पार्टिकल का डाइजेशन करके एनर्जी लेना जो हमारा प्रोसेस है, वो हमारा क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे हमको एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी को हम यूजफुल वर्क में, है ना, काम ले सकेंगे। तो अब यदि हम नॉर्मली यहाँ पे बात करें कि डाइजेशन होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल कन्वर्ट इन सिंपल फूड पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर? मतलब कि यदि आप कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये हमारा प्रोसेस कहलाएगा डाइजेशन। जैसे मान लीजिए ये बड़ी सी रोटी का टुकड़ा है,
क्लियर। ये बड़ा सा रोटी का टुकड़ा है, आपने इसको ब्रेक करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये प्रोसेस हमारा क्या हुआ, डाइजेशन। क्लियर। मतलब कि यदि हम डाइजेशन की बात करें तो जब हम लार्ज कंपाउंड को स्मॉल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोसेस हमारा डाइजेशन कहलाता है। यदि हम एक और डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इन स्मॉल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब आप इसको बोल सकते हो लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्ट इन स्मॉल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर। लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को स्मॉल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट करना हमारा क्या कहलाएगा, डाइजेशन। इसका एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो मैक्रो, यानी बड़ा। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। क्लियर। जब आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हो तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये होता है डाइजेशन। जैसे अपन ने क्या किया, एक रोटी का बड़ा सा बाइट लिया, उसको मैंने मुंह में लिया, फिर मैंने उसको चबाया। जैसे मैंने उसको चबाया तो मुंह के अंदर ही वो बड़ा सा बाइट छोटे छोटे बाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस होती है डाइजेशन। मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि जैसे ही मैंने फूड पार्टिकल मुंह में लिया तो डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब फूड पार्टिकल पेट में जाएगा तो डाइजेशन स्टार्ट होगा, नहीं। हालांकि आप यदि बोल दो आपने रोटी के बड़े पाइट रोटी के पूरे टुकड़े को आपने ब्रेक किया, हाथ से तोड़ा, तो तोड़ना भी तो एक डाइजेशन है। क्लियर। तो ऐसे यदि आप मतलब बाइट को मुंह के अंदर लेते हो, फिर उसको जब आप च्यूमिंग करते हो, जब आप चबाते हो, तो चबाते टाइम रोटी का बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, तो मैक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। या तो आप ऐसा बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट की जगह आप बोल सकते हो ब्रेक डाउन इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स इसको डाइजेशन। मतलब हमको ले दे के डाइजेशन का सिस्टम समझ में आ गया, डाइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि जब हम लार्ज मॉलिक्यूल्स को माइक्रो मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में स्मॉल कंपाउंड में माइक्रो कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। क्लियर हुआ। अब यदि हम बात करें कि डाइजेशन यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे रोल किस किस चीज का होता है। यदि हम नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, अब यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम में रोल किस किस का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेनली दो चीज का रोल रहता है। एक होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है ग्लैंड्स। एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, एक होती है ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे आप माउथ, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगा। माउथ के बाद क्या आएगा, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस है ना, ठीक है, तो हो गया माउथ, माउथ से ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के जस्ट बाद स्टोमक, स्टोमक, स्टोमक के बाद आता है, स्टोमक के बाद आएगा इंटेस्टाइन। क्या आएगी, इंटेस्टाइन, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होंगे इंटेस्टाइन। क्लियर। इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी लार्ज इंटेस्टाइन, एक होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर।
लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कौन कौन से हैं पहले वो देखते हैं। इसका होता है सीकम, कॉलन और रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं सीकम, कॉलन और रेक्टम। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कौन कौन से हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के हम बोलेंगे ड्यूओडेनम, जेजुनम, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। क्लियर? तो ये हो गए हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ये हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट। अब यदि हम ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स कौन कौन से, ग्लैंड्स का कौन कौन से का रोल होता है। क्लियर? तो ग्लैंड्स में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मुंह, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले देखेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर आपका रहेगा सब लिंगुअल, फिर मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और पैराटिक। पैराटिट। क्लियर? ये चार सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ठीक है, जहां पे जो मुंह में सलाइवा आता है, ये चार सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। और चारों की चार सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं एक्सोक्राइन। क्या होती हैं? चारों के चारों एक्सोक्राइन। क्लियर? ये हो गई हमारी ग्लैंड्स। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, लिवर, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये हो गई हमारी मेन रोल जिन ग्लैंड्स का होता है। उसके बाद और बहुत 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 सी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, जी सेल, ऑक्जेंटिक सेल, पैंक्रियाज, ये सारी काम आती हैं, पैंक्रियाज। क्लियर? तो ये हो गई हमारी ग्लैंड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी और पैराटिट ग्लैंड। अब हम क्या करते हैं, इन सब का एक डायग्राम में हम देखते हैं कि इस डायग्राम में हमारे इन ये कहाँ कहाँ इनका रोल है। क्लियर? तो सबसे पहले देखो एक बार, हम फिर से रिवीजन करते हैं। यदि हम डाइजेशन की बात करें तो पहले मैंने डेफिनेशन सीख लिया, माइक्रो मॉलिक्यूल चेंज इन माइक्रो मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्लियर? फिर उसके बाद देखो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, मतलब कि जो फूड पार्टिकल से हमको यदि एनर्जी मिलती है, तो फूड पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए, मतलब फूड पार्टिकल से एनर्जी निकालने तक की प्रोसेस में हमारे इतने चीज काम आते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। क्लियर? एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कॉलन, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। क्लियर हुआ? उसके बाद कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे मुंह में, देखो सलाइवा निकलता है, मैंने आपको बताया था ना, मुंह में मतलब पूरी लाइफ में इतना सलाइवा निकल जाता है कि हम दो स्विमिंग पूल बना सकते हैं। क्लियर? जो हमारा सलाइवा होता है बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, और इसमें बहुत ज्यादा बहुत अच्छे एंजाइम्स होते हैं। क्लियर? जो कि बाकी हमारे बैक्टीरिया वगैरह को किल करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, देखिए सबलिंगुअल ग्लैंड जो टंग में होती है, देन सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ये हमारी जो बोन है, ये वाली जो बोन है, ये हमारी बोन कौन सी है, मैंडिबल, मैंडिबल है, ये वाली बोन हमारी मैंडिबल है। और मैंडिबल के नीचे जो ग्लैंड्स होती है वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स होती है। अपर टूथ जहाँ अटैच है वो हमारी मैक्सिलरी बोन होती है, और वहाँ जो ग्लैंड्स होती है उनको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स बोलते हैं। उसके बाद कान के पास, क्लियर, ऐसे कान के इन्फीरियो सुपीरियर, क्लियर, कान के इन्फीरियो सुपीरियर जो ग्लैंड होती है वो पैराटिट ग्लैंड होती है, जो कि सारे के सारे एक्सोक्राइन्स होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास, ये सारे के सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? जैसे स्टोमक, यहाँ ये भी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से HCl सिक्रीट होता है, ठीक।
तो ये हो गया हमारा डाइजेशन का फ्लो चार्ट। अब हम एक काम करेंगे, इसका एक डायग्राम देखेंगे, देन सबको अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे माउथ, फिर ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देन ग्लैंड्स। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होगा। तो हम इसको 17 से 18 लेक्चर में खत्म करेंगे, या तो ज्यादातर 20 लेक्चर हो सकते हैं। 20 लेक्चर के अंदर अंदर हम इसको खत्म करेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसके नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलते रहें। क्लियर? चलिए अब मैं इसका इंटेस्टाइन में ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है? तो इसको आप याद कर सकते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम, ड्यूओडेनम, जेजुनम और इलियम। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम ऐसा करते हैं कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने जितने स्ट्रक्चर्स बताए हैं, इन सारे स्ट्रक्चर को हम एक डायग्राम में पुट करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? एक हम डायग्राम लेते हैं जिनमें हम सारी की सारी चीजें पुट करेंगे। क्लियर? चलिए चलिए, अब मैंने जो आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाया, इसी फ्लो चार्ट का हम डायग्राम देखते हैं कि कैसे बनेगा। क्लियर? मतलब इस फ्लो चार्ट को हम एक फिगर में शो करते हैं, आप लोग देखते जाइएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लियर, ये हो गया इसका माउथ, आंखें, तेरे नैना, ओ नैना, तेरे करे करे नैना, ठीक है? चलिए कान भी बना दो, पाओ। चलिए अब हम देखते हैं, ये हो गया माउथ, क्या हो गया, ये हो गया माउथ, यहां पे होगी पैरेटिड ग्लैंड, कौन सी, यहां होगी पैरेटिड ग्लैंड। क्लियर? यहां होगी पैरेटिड ग्लैंड। अब यहां से अपन ऐसा करते हैं, ये हम लेते हैं यहां से ओइसोफेगस, क्या लेते हैं, ये हमने लिया ओइसो फेगस। क्लियर? ओइसो फेगस में जस्ट यहीं पे हमने बनाया स्टोमक। स्टोमक के बाद ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? स्मॉल इंटेस्टाइन से यहीं से अपनी स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन, ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से यहीं से स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? ये हो गई हमारी स्टार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर? ये वाला पार्ट हो गया। चलिए तो हो गया, देखिए ओसोफेगस, स्टोमक, स्टोमक के बाद यहाँ पे होता है लीवर, क्या होता है यहाँ पे, कुछ होता है कुछ ऐसा लीवर। क्लियर? और यहाँ पे होता है गॉल ब्लैडर, तो ये हो गया हमारा क्या, लीवर, और ये हो गया गॉल ब्लैडर। जो डक्ट है तो हम इसको बोलते हैं बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट।
क्लियर हुआ। चलिए अब जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपका डायफ्राम भी रहेगा, ये अपना होता है डायफ्राम। क्लियर, क्या होता है डायफ्राम? ये हमारा डायफ्राम हो गया स्टमक। अब स्टमक बिलो द स्पर्म है ना, बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे एक ग्लैंड और होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास, क्या बोलेंगे इसको, पैंक्रियास। क्लियर, अब देखिएगा माउथ, माउथ से माउथ में थी दो ग्लैंड्स, एक यहाँ पे ग्लैंड्स होगी माउथ में, यहाँ पे ये मैंडिबल है तो यहाँ पे एक ग्लैंड्स होगी जिसको हम बोलेंगे सब मैंडिबुलर, ये सारे ग्लैंड्स। क्लियर, एक ग्लैंड यहाँ जिसको हम बोलेंगे सबलिंगुअल ग्लैंड। क्लियर, तो हो गई एक सबलिंगुअल, दूसरी सब मैंडिबुलर, तीसरी पैरेटिड, एक और ग्लैंड होती है ठीक है जो मैक्सिलरी बोन के पास होती है, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम बोलेंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्लियर, तो हो गई क्या, देखिए सबलिंगुअल टंग में सबलिंगुअल, देन माउथ में हमारा हो गया माउथ में, फिर माउथ के नीचे बक्कल कैविटीज जो रहती है यहाँ पे हो गई सब मैंडिबुलर, यानी कि इस वाले बोन के पास सब मैंडिबुलर, अपर वाले ऊपर वाले बोन के पास सब मैक्सिलरी, टंग के अंदर सब लिंगुअल। क्लियर, सब लिंगुअल मतलब ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये टंग है ना, तो टंग के यहाँ पे ऐसे ये टंग में रहती है सब लिंगुअल ठीक है, ऊपर उसके बाद हमारी सब मैक्सिलरी, ऊपर ऊपर बोन पे मतलब कि अपर जॉ सब मैक्सिलरी, लोअर जॉ सब मैंडिबुलर, अपर जॉ का नाम है मैक्सिलरी बोन, लोअर का नाम है मैंडिबुलर बोन। क्लियर, लिंगुअल और पैरेटेड है ना, ये कान के पास जो है ये पैरेटेड हो गई। उसके बाद मैंने वहां से आया तो नीचे आया तो ये होता है ओइसोफेगस, ओइसोफेगस के जस्ट बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद यहाँ पे आ गया लिवर, स्टोमक के बाद आ गया लीवर, लीवर से गॉल ब्लैडर, लीवर से ये हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, और यहाँ पे जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ये वाला पार्ट है ये होता है डियोडेनम, डियोडेनम पहला, डियोडेनम के जस्ट बाद ये होता है जेजुनम, जेजुनम के जस्ट जो लास्ट वाला पार्ट होता है इलियम। क्लियर, ये तीन पार्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के, डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद जैसे लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है ये होता है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन जैसे हमारा यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन है तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये होता है सीकम, सीकम ये यहां से पूरा ये वाला पार्ट होता है कॉलन, ये वाला पूरा पार्ट होता है कॉलन, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है रेक्टम, ये वाला पार्ट होता है क्या पूरा रेक्टम। क्लियर, ये हो गए लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब, लार्ज इंटेस्टाइन में हो गए सीकम, कॉलन और रेक्टम। क्लियर, सीकम, कॉलन और रेक्टम जहां पे फूड स्टोर होता है स्टूल फॉर्म में। उसके बाद ये हो गया एनल कैनाल, ये हो गया एनल कैनाल। क्लियर, एनल कैनाल से जहां से फूड फूड स्टूल को डिस्चार्ज किया जाता है। क्लियर, ये हो गया। अब यदि हम कॉलन की बात करें तो कॉलन के भी दो पार्ट हैं, एक एसेंडिंग कॉलन एक डिसेंडिंग कॉलन, एसेंडिंग कॉलन और डिसेंडिंग कॉलन, मतलब ये वाला पार्ट हमारा होता है एसेंडिंग कॉलन
ये वाला पार्ट होता है डिसेंडिंग कॉलन, क्लियर। तो ये हो गया हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, जबकि हमने माउथ से और देख लिया पूरा रेक्टम तक, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो जो मैंने आपसे बताया था, माउथ, ओइसोफेगस, पहले लिया था माउथ, उसके बाद ओइसोफेगस, उसके बाद स्टमक। तो हमारा देखिए पहला हो गया माउथ, सेकेंड नंबर हो गया ओइसोफेगस, थर्ड नंबर हो गया स्टमक, फोर्थ नंबर हो गया इंटेस्टाइन, फोर्थ नंबर हो गया इंटेस्टाइन जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कॉलन और रेक्टम, क्लियर। उसके बाद ये हो गया एनल कैनाल्स। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस और आते हैं, दो क्वेश्चंस आते हैं कि जो हमारा डाइजेशन होता है उसका ओरिजिन कैसे होता है, क्लियर। डाइजेशन का ओरिजिन क्या होता है, तो यदि हम ओरिजिन की बात करें तो ये तो होता है क्या, मतलब कि माउथ में सॉफ्ट पैलेट तक, मतलब माउथ में हमारा हार्ड पैलेट तक, तो सॉरी मतलब कि इन माउथ अप टू हार्ड पैलेट, इन माउथ अप टू हार्ड पैलेट, ये हमारा होता है एक्टोडर्म, इन माउथ अप टू हार्ड पैलेट, है ना। आपने अभी अभी उसमें पढ़ा होगा एम्ब्रियोलॉजी में, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, तो ये हमारा होता है एक्टोडर्म। हार्ड पैलेट क्या होता है, देखिए जैसे आप मुंह ओपन करिए, मुंह में ऐसे टंग जब टच करेंगे तो देखेंगे आप अपने टंग में स्टार्टिंग में रुगे हैं ऐसे ऐसे, मतलब जैसे आप मुंह को ओपन करेंगे तो आप यदि ऐसा देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे लाइनें हैं, क्लियर। देखिए अपने टंग को यहाँ पर करिए, यहाँ पर टच, पीछे लेके जाइए, गए पीछे लेके, जब पीछे लेके जाओगे तो आप देखोगे जस्ट यहीं पे स्टार्टिंग में ऐसे आएंगे कुछ स्ट्रक्चर बने हुए जिनको हम बोलते हैं रुगे, स्ट्रक्चर बने हैं जिसको हम बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं रुगे, क्लियर। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं रुगे, और रुगे ये हमारा पूरा पैलेट है, ये हमारा पूरा पैलेट है, मतलब कि यहाँ से वो वाला पार्ट अंदर अंदर तक का पूरा पार्ट हमारा, ऊपर के अंदर तक का पूरा पार्ट, जहाँ पे एक छोटा सा लटका हुआ है ना कुछ, वहां तक का पूरा पार्ट पायलट होता है, और पायलट का जहां तक रुगे हैं वो होगा हार्ड पायलट, और रुगे के बाद वाला होगा सॉफ्ट पायलट, रुगे के बाद वाला होगा सॉफ्ट पायलट। तो जो हमारा हार्ड पायलट होता है, इन माउथ अप टू हार्ड पायलट एक्टोडर्म होता है, और फिर सॉफ्ट पायलट से लेके रेक्टम तक का पार्ट, सॉफ्ट पायलट से लेके रेक्टम तक का पार्ट, मतलब कि सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम, सॉफ्ट पैलेट से रेक्टम तक का पार्ट हमारा एंडोडर्म होता है, क्या होता है, एंडोडर्म होता है, क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा पार्ट होता है एंडोडर्म। तो ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने फ्लो चार्ट पढ़ लिया कि हमको डाइजेशन में पढ़ना क्या है, तो एक बार मैं 2 मिनट में रिवीजन करवा देता हूँ। तो सबसे पहले डाइजेशन, तो डाइजेशन जो हमारा होता है माइक्रो मॉलिक्यूल कन्वर्ट इन माइक्रो मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ने थे, तो डाइजेशन में मैंने बताया था एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स, एलिमेंट्री कैनाल माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के दो पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या था, सीकम, कॉलन और रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन में था ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, क्लियर हुआ। उसके बाद हम बोले माउथ में तो पैरेटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और ग्लैंड थी हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये वाली भी हमारी ग्लैंड्स थी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे नॉर्मली जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सोक्राइन होती हैं, यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक्सोक्राइन होती हैं, एक्सोक्राइन मतलब जिनमें डक्ट प्रेजेंट होता है, क्लियर। एक्सोक्राइन होती हैं मतलब जिनमें डक्ट प्रेजेंट होता है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद हमने बोला लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबको मैंने डिस्क्राइब किया। अब जो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल से स्टडी करेंगे माउथ, उसके बाद वाले में ओइसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, और इस तरह से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए, कलरफुल पेन से डायग्राम बनाइए, और मजा आ जाएगा, पूरी की पूरी एनसीईआरटी थ्योरी आपके मैं रजिस्टर में कवर करवा दूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।